आप सभी सुंदर साथ पक्का पढ़ोगे ना मानी, क्योंकि हम तो यहाँ 20 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे, पर आपको पीछे से ऐसे नियमबद्ध होके इतना प्यार हो गया आपको धनी से, 2 घंटे बैठ बैठ के धनी के चरणों में जाने के बाद आपका मन नहीं लगेगा, तो जब मन ना लगे तो किसके पास बैठना, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के पास बैठना और इस वाणी को पढ़ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कौन सा पहर शुरू हुआ है, चौथे पहर का समय क्या है, 3 से 6 बजे का समय है, और 3 से 6 बजे में कहते इत एक पहर पियू पौड़त आए सेवन को सब साथ। एक पहर श्री जी ने विश्राम किया, लेते रहे और सब सुंदर साथ आए, जल लोटा भर ले आया छबील दास अपने हाथ। छबील दास जी कौन है, किसके बेटे हैं, जमुना बाई जी के बेटे हैं। वो जल का लोटा भर के शिरजी साहिब जी के लिए लेके आते हैं। श्री राज कोगला करते हैं डारत है पीक दान, गरम पानी का लोटा लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं, शिरजी साहिब जी ने कुल्ला किया क्योंकि लेते रहे हैं, तो फिर पीक दान में डाला। शंकर आगे धरत है संत संत दास परवान, शंकर दास जी पीक दान लेके खड़े हैं, संत दास जी खड़े हैं, और इस समय मानिक भाई इस समय दौड़कर सारी सेवा में हाजिर हो जाते हैं, ये सब सेवा में शामिल होते हैं, और श्री राजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि धनी कोई सेवा हो तो बताइए, है ना। और श्री राज रजा देते हैं आए हजूरी सब, शंकर सेवे सने सो मोर चल लिए तब। श्रीजी साहेब जी ने पहले वाणी गायन करने वालों को सबको विदाई दे दी कि आप 3 घंटे से बैठ के वाणी गा रहे थे, अब आप सभी जाइए क्योंकि अब दूसरे आ गए हैं 3 से 6 बजे वाले सुंदर साथ, अब वो आ गए हैं सेवा में। हजूर हमेशा रहे ये जो केशव दास, लेकिन केशव दास हमेशा ही हाजिर रहते हैं। कंचन मुठे मोरचल सने से वो सेवा खास, केशव दास जी के पास जो मोरचल है ना श्रीजी साहेब जी श्री बंगला जी दरबार में, बंगला जी के दरबार में तखत से तखत के ऊपर उठ के पलंग के ऊपर बैठ गए हैं, और श्री केशव दास जी के पास वो सोने की मुठ वाला रत्नों से जड़ी चमर है, और इस समय वो श्रीजी साहेब जी को चमन डुला रहे हैं। कौन डुला रहे हैं, केशव दास जी। बल्लभ दास गंगा दास जो रहते हजूर हमेश, बल्लभ दास जी और गंगा दास जी श्री जी के हजूर रहते हैं, निर्गुण होए के रहते हैं माया नहीं लवलेश, बिल्कुल निर्गुण अंदर से रह हुए निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावे किन, निर्गुण बिल्कुल अंदर से भी किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को दुख नहीं देते, तो कहते अंदर माया तो है ही नहीं, माया गई पोताने घेर। श्री जी के चरणों में सुंदर साथ आए तो माया अपने घर चली गई। और बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हक, बिहारी दास जी भी हाजिर रहते हैं सब कामों में दौड़त बड़ी सेवा बुजुर्ग। बिहारी दास जी की क्या सेवा है, जिससे पूछूं वो बताना। हां जी अन्नू जी बिहारी दास जी क्या सेवा करते हैं, सारे मत बोलना पेपर को लीक मत करना। अच्छा इधर से त्यागी जी बिहारी दास जी क्या सेवा करते हैं, कल बताया था ना। हां जी विजय जी बिहारी दास जी क्या सेवा करते हैं, विक्की जी हैं? अरे बिहारी दास जी की एक सेवा तो परमानेंट है ना, अंगीठी बखा के लाते हैं ना हमेशा ही, कल आपने सुना नहीं था, सुना था ना हमेशा, पर सब सेवा में बिहारी दास जी शामिल है, वो तो एक विशेष सेवा मिली हुई है, अब नहीं भूलोगे, है ना। तो कहते इस समय में लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ, नीमा पहनाइया प्रेमदास कसबांधे दौहात। तो कहते इस समय शिवजी साहिब जी को प्रेमदास जी ने छोटी गर्म कुर्ती पहना दी और उसकी कस बांधते हैं लालदास जी, है ना। और धरत है सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, गोस पेज सिर ऊपर आए मुकुंददास स्थान। कहते एक मफरल बांध लेते हैं शिवजी साहिब जी गर्म सर्दी है ना, फिर उसके ऊपर गोटा कंडप्पी है ना, फिर इसके ऊपर कंचन का सफेद दुत्ता पहनते हैं, और ये नंदराम जी और रामचंद्र जी सेवा करते हैं,
और शिवजी सर जी कमर में पटका बांधते हैं, जिनकी किनारी जरी से निकली हुई चमक रही है। फिर कुर्ते के ऊपर सुनहरी बूटी से कढ़ाई की हुई एक गरम शाल है, जो महाराजा छत्रसाल जी ने बड़ी सुंदर बनवाई है, और उसके ऊपर किनारी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही सुंदर की हुई है, वो महाराजा छत्रसाल जी शिवजी साहिब जी को पहनाते हैं। और मखमली तक ये समय बिहारी दास जी लेकर आते हैं, और कुछ दिन तक ये सेवा बिहारी दास जी ने की, फिर फराश ने करी, धनी जी को रिजाया। कुछ दिन से मेगा सुखाली गोविंद दास शेख बदल विशंबर भाई शामिल होकर ये सेवा करते हैं। और भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तखत हवाले रहे बिहारी दास के गादी तक ये धरे इत। बनमाली दास जी ने शिवजी साहिब जी के लिए सुंदर चंदन का तखत बनवाया था। अब ये नाम ना भूलना, कल से पूछा जाए तो ठीक है, क्योंकि अब वो चंदन का तख्त भी सुंदर बन के तैयार होके सोने में पूरा का पूरा बन चुका है ना। तो कहते भाई बनवाली दास जी ने चंदन का तख्त बनवाया और किनके हाथ में दे दिया, बिहारी दास जी के हवाले कर दिया है ना। और वो गादी तकिए इसके ऊपर लगाते हैं, और बनवाली दास जी के साथ गाने की सेवा में धनजी भाई शामिल रहते हैं, और तखत कुर्सी और सेज सजाने की सेवा बड़ी उमंग के साथ करती हैं। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जा मेगन शाम, ता पावड़े आगे बिछावत ए लाल भाई का काम। श्री जी साहेब जी तीसरे पहर में कभी कभी देख रिया के लिए घनश्याम भाई के घर जाते हैं, तो चरणों में इस समय में लाल भाई जी पावड़ा बिछाती हैं, और एक पावड़ा किशनी बिछाती है, और वो स्नान घर है ना, वहाँ पे चंद्रमा बांध देती हैं, चंद्रमे के ऊपर सुंदर सुंदर फुमक लगे हुए हैं। और शिवजी साहिब जी जाके जब वापस आते हैं, इत हाथ पकड़ के लच्छी दास जी लेके आते हैं, फिर फिरते हाथ दे लाल दास पहुंचाए, फिर लाल दास जी महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ है। प्रेम दास चित्ता गले लिए सेवन को सब सहज, प्रेम दास जी कौन है, नाई है। एक ही जना बोल लो, तीन बार बताया कि प्रेमदास जी कौन है, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं है ना। वो रिश्तेदारी में आगे से आगे के नाम पूछ लो तो कौन दी की लगती सी, अभी पूछ लो इन सबसे किसके साथ जयपुर में दिल्ली में जहां जहां कोई रहता है, वो किसके साथ किसका क्या रिश्ता है क्या नाम है, सब याद रहते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी बार बार कहते कर कबीला पार का, अपना परिवार इनको बुलाना बनाना, इनके नाम याद रखो ना, सत सात सौ करो प्रीत, देखो सतगर की रीत, सच्चे सुंदर साथ से प्यार करो। तो प्रेमदास जी को कभी नहीं भूलना, प्रेमदास जी नाई है, शिव जी की हजामत बनाते हैं, शिव जी के नाखून संवारते हैं, कल भी सुना था। और बातें करे बनाए के सबे राज के काज, और जब मसाज करते हैं जब शेप बनाते हैं तो उस समय में मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, क्योंकि शिवजी साहब जी किनके हवाले हो जाते हैं, स्वामी श्री प्राणनाथ जी किनके हवाले हो गए, प्रेमदास जी के। और जब तक प्रेमदास जी बैठाए रखेंगे तो शिवजी साहब जी बैठे रहेंगे, और नाई की आदत होती है बहुत सारी बातें करने की, और इनको मौका मिल जाता है। लटके मटके चलते आए बैठे गादिये, श्री प्राणनाथ जी लटकनी मटकनी चाल चलते हुए गादी पे आके बैठ गए। ये सेवा बिहारी दास जी की बिछाई है भर के, बिहारी दास जी ने गादी लगा दी और दोनों बाजू में तकिए लगा दिए, और पावड़े के ऊपर चलते हुए शिवजी साहिब जी कुर्सी पर विराजमान होते हैं। चरण पखालने को छबील दास लियावत सुंदर जल, जब श्री प्राणनाथ जी कुर्सी पर बैठते हैं ना तो छबील दास जी जल भर के लाते हैं, चिलमची भर के लाते हैं, जिसको हम धामा कहते हैं ना, भर के ले आते हैं। मुकुंद दास पखालत ये सेवा दिल निर्मल, और मुकुंद दास जी पानी डालते जाते हैं, और शिव जी के चरण इस समय में धोए जाते हैं। दूजा पखाले प्रेम दास पीछे केशव रुमाल दे, नारायण का ऊपर रुमाल देवे दर्शने, दूसरा चरण प्रेम दास जी पखालते हैं, फिर शिव जी के चरण कमल पूछने के लिए रुमाल दिए जा रहे हैं।
और दोनों पिटली पकड़ के बनवाली दास जी बैठ जाते हैं। इधर एक पिटली बनवाली दास जी ने पकड़ी, एक लाल दास जी ने पकड़ी, ये नीचे बैठी है और चरण धुलवा रहे हैं। इचलमची धर के बैठा था नंद राम और पूरा धामा उसमें गुलाब जल की, गुलाब के फूलों की पत्तियां डाल रखी हैं। शिव जी के चरण धो रहे हैं, जब प्रसादी बांटता था शंकर को एकाम। और इस समय में जब चरण धोए ना तो वो चरणों का चरणामृत भी बांटा जा रहा है। और बड़े हेत के साथ शिव जी साहेब जी को हस्त कमल दुलाए गए। हाथ पखालत हेसो छबील दास रेड़े जल, हाथ पुछावे रुमाल सो प्रेम दास निर्मल। और कहते हैं शिव जी साहेब जी को हाथ दुलाते हुए छबील दास जी जारी से पानी डाल रहे हैं, नीचे धामा रखा हुआ है और चरणों को मसल के धो रही हैं। और इस समय में अमल अरोग ने इन समय छबील दास देवे, छबील दास जी कितनी सेवा कर रहे हैं, जल का कटोरा भर के देते हैं, चरण दुला रहे हैं, है ना। और इस समय में ग्रीन टी पीते हैं शिव जी साहेब जी, जिसमें सब कुछ डाला हुआ है, अदरक तुलसी लौंग बड़ी इलायची सभी तरह के दालचीनी सब तरह के मसाले उसके अंदर डाल के और उबाल के वो कावा बनता है। हम अब ग्रीन टी पीने लगे, जब कोरोना हुआ तो कोरोना ने सबको पिलानी काढ़ा पिलाना शुरू करवाया, इतना काढ़ा कभी जिंदगी ने पिया नहीं होगा जितना इस समय में पिया। और कहते श्री प्राणनाथ जी 11 वर्ष तक हमेशा पीते हैं, क्योंकि उससे कोई भी बीमारी फटकती नहीं है, स्वस्थ रहते हैं। तो कहते हैं इस समय में सुपारी लेके मानिक भाई आ जाते हैं और कुर्सी को घेर कर अम्बो गौरी गोदावरी मानवंती बड़े मान के साथ खड़ी हैं, और भी बहुत सारे सुंदर साथ खड़े हैं और बाजू सखियां खड़ी कुर्सी को घेर। अब ये चरण धो रहे हैं तो सुंदर साथ श्री बंगला जी के अंदर पूरा घेर के एक दूसरे के ऊपर कंधों पे हाथ रख रख के देख रहे हैं। जब चरण धोए जा रहे हैं ना पूरी भीड़ है चारों तरफों। और ओक्का कलंगी हाजिर करें, जब बैठे श्री राज तखत ओक्का भाई कलंगी लेके आते हैं, जब शिव जी साहेब जी तखत पर बैठते हैं। इत बिहार कई भांत के आवे नहीं जुबान, इस समय में इतना आनंद मंगल बंगला जी में हो रहा है जिसका कोई शुमार नहीं है। सैया को सुख देते हैं कराए अपनी पहचान, शिव जी साहेब जी सुंदर साथ को स्वयं सुख देते हैं, अपनी पहचान उन्होंने खुद करवाई। बल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिर ऊपर, बल्लभ भाई लाल रंग का छत्र लेके सिर के ऊपर फेर रहे हैं। हाथ पकड़ उठावत दास लाल इन पर, और कुर्सी से हाथ पकड़ के स्वामी श्री लाल दास जी ने उठाया। और इत तखत के गोफ ने बांधत मानिक इस थाम, दो लाल भाई बांधत एक बांधत घनश्याम। कहते हैं वो तखत के गोफने बांधे जाते हैं चारों तरफों से, तो इस समय में एक बांधा मानिक भाई ने, एक बांधा लाल भाई ने, और एक दो लाल भाई जी ने बांधे और एक घनश्याम जी ने बांधा। तखत सात सोने रुपए का राखत है बुधसेन, तखत को सजाने के लिए सोने का सामान है वो बुधसेन जी अपने पास रखते हैं। सब सेवा में ठाडा रहे आवे जावे लेन देन, सारी सेवा में वो शामिल रहते हैं। सेवा लिखनहार की शाही देत बनाए, कुंजा भर के पुकारी कोई ले वो दिल चाहे। कहते शाही लेके बंगला जी के अंदर बुधसेन जी कहते हैं शाही ले लो शाही, 5000 जमात है, सबने वाणी लिखनी है, सबकी दवात में से शाही खत्म हो जाती है ना, तो बुधसेन भाई उन सबको क्या देते हैं शाही। पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। कहते जब पिछला चार घड़ी दिन रह जाता है, शाम के 4:30 बज जाते हैं, तो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ सारे आके बंगला जी में 5000 सुंदर साथ दोनों बाजू भर के बैठे हैं। दो बाजू भर के आई के बैठा साथ, अर्श अजीब पहुंचावने के पकड़े हाथ। कहते अर्श अजीब में पहुंचाने के लिए धनी ने इनके हाथ पकड़ रहे हैं। श्री महाराजा आवत सब सेवा में शामिल, अति सनेसो सेवा करे पाक दिल निर्मल। महाराजा छत्रसाल जी जब आते हैं ना तो सभी सेवा में शामिल हो जाते हैं, जो भी सेवा हो रही होती है, जो सेवा शाह कुंडल करी अपने तन मन धन,
अपना तन धन सौंपया तो कहा अमीर अल मोमिन महाराजा छत्रसाल जी ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर अपना तन अपना मन अपना धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब सर्वस्व कुर्बान कर दिया तो अमीर अल श्रेष्ठ मोमिन की उपाधि उनको मिलती है। अर्श की नमाज का आए पहुंचा बखत गोकुल अर्ज करते सामी होए तखत। इस समय अर्श की नमाज का शाम के 4:30 हैं और 4:30 श्रीजी साहिब जी सुंदर साथ को चितवनी कराते हैं और गोकुल भाई आके श्रीजी साहिब जी के चरणों में अर्जी करते हैं, हमको इन खेल से सिताब काटो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्णे रहा ना कोई काज। इस समय में आके अर्जी करी, इधर से अर्जी बोलेंगे ना तो आप पीछे पीछे बोलना, आगे नहीं बोलना क्योंकि फिर वो ट्यून बिगड़ जाती है। दो लाइनें बोलेंगे, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े, पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अर्जी गाई जाती है, प्रार्थना की जाती है, श्री धाम धनी सुनते हैं ए बानी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। धनी ने सारे सुंदर साथ की अर्जी को दिल देके सुना और जो भी अर्जी मोमिनों ने की उसको स्वीकार किया। अर्ज करी एक भांत साथ ने कई भांत धनी दिए सुख, एक अर्जी करी कि हमको इस खेल से सिताब काटो श्री राज। और श्रीजी साहिब जी जब चर्चा करने बैठेंगे तो परम धाम के 25 पक्षों की सैर करा देंगे, खेल समेत बैठाए के धाम में दो ठोर धंधन किए सन्मुख। खेल के अंदर बैठे बैठे ही श्री जी साहिब जी परम धाम का वर्णन करते करते सुंदर सात की सुरता को परम धाम के 25 पक्ष में ले जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। और चितवनी के समय चारों तरफों सुंदर सात पहरे के लिए खड़े हो जाते हैं और ढाल तलवार जो है ना वो मुरलीधर भाई लेके रहते हैं और कभी भिखारी दास जी और कभी गिरधर भाई पकड़ के रहते हैं। ये भिखारी दास कौन से हैं बताओ, कौन से हैं भिखारी दास जी? नाम भिखारी दास दिया गया, शेख खिदर ने भिखारी दास जी को नहीं भेजा था है ना कि तुम जाओ पहले रामनगर में, श्री प्राणनाथ जी वहां है तो पहले भिखारी दास 3 दिन वाणी चर्चा सुनते हैं ना और अपने कुटुंब कबीले सहित श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए और जब चरणों में आ गए तो बंगला जी में 11 वर्ष तक वही सेवा कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। और कहते श्री लालदास जी भी इस सेवा को करते हैं, कभी संत दास जी करते हैं, कभी सूरत सिंह जी तीर कमान रखते हैं और बच्ची घनश्याम जी लेके खड़े होते हैं। एक भाव है कि अंदर चितवनी चल रही है और हमारे राजाओं के राजा, हमारे शहंशाह, हमारे बादशाह, हमारे सम्राट सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी शोभा के लिए ये शोभा है। देखा ना बंगला जी के कठेड़े पर 2 लेके खड़े है ना, है ना। तो कहते श्री बाई जी पठे देते हैं हाथ मकरंद के, श्री राज के वास्ते भूक्षण लियावत नित ए। श्री बाई जी राज महारानी साहिबा मकरंद जी के हाथ में कोठा मंदिर से आभूषण भेजती है, रखे भी रुपए की भर लियावे भूक्षण, चांदी की प्लेट भर के भूक्षणों की लेके आते हैं। महाराजा पहनावत लिए पकड़े हाथ मोमिन, महाराजा छत्रसाल जी इस समय आभूषण पहनाते हैं। तो शिरजी के कंठ में 2 माला तो मोतियों की पहनाई जाती हैं और नीचे सोने की पहनाती हैं और 2 मालाएं जिसमें लॉकेट
हीरा नग जड़ा हुआ है और जिसका तेज झलकार इतना निकल रहा है वो पहनाई और दुगदुगी लॉकेट। दुगदुगी किसको बोलते हैं? जो लॉकेट होता है ना चैन के अंदर और जिसमें लाल रंग का लॉकेट है चैन के अंदर, वो इतना सुंदर लग रहा है। और एक चंद्र हार कंठ में पहनाया, वो भी इतना सुंदर लग रहा है। एक चपकली का हार पहनाया, वो भी इतना सुंदर लग रहा है। और एक माला दूसरी माला इस तरह शोभायमान है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इतना सुंदर श्रृंगार श्री जी साहिब जी सज के बैठे हैं। और मोतियन की कंठी बनी तले मोती ऊपर मानिक, एक मोतियों की कंठी है, पहले एक मोती फिर मानिक फिर मोती फिर मानिक। सोचो एक सफेद हीरे का मोती का, फिर एक बीच मानिक आ गया, फिर एक मोती आ गया, फिर एक मानिक आ गया। ऐसी एक माला श्रीजी साहिब जी ने बैठी पहन रखी है। चौखुना सोने मड़ो शोभित है कंठक और चौरस लॉकेट नीचे मानिक का आया है, वो कितना सुंदर लग रहा होगा, है ना। और गिर्द चंद्रिका कमल जो लटकत पाग ऊपर, और चंद्रिका पाग के ऊपर कितनी सुंदर लग रही है। सिरे मोती लटकत धरे हीरा जोत सिर पर, और सिरे के ऊपर पाग के सिरे के ऊपर मोती लटक रही है। कलंगी पहनी हुई है महाराजा पहनावत पोंची बांधी इन ठाम, मोतियों की पोंची हाथ में महाराजा श्री छत्रसाल जी पहनाते हैं। हीरा मानक जलकत ये महाराजा का काम, उसके अंदर हीरा और मानिक झलझल कार कर रहे हैं। और अंगुरिया मुंदरी आगे सब धरी, और जो अंगूठिया है ना महाराजा छत्रसाल जी ने सारी प्लेट चांदी की श्री जी के सामने रख दी। माफक बैठक अंगुरी सो अंगीकार करी, जो अंगूठी जिस उंगली में पूरी आती है ना वो पहनाते जाते हैं। जो लगता है इस अंगूठी ये अंगूठी इस उंगली में टाइट है फिर वो नहीं पहनाते, दूसरी पहनाते हैं। तो इस तरह महाराजा छत्रसाल जी श्रीजी साहिब जी को श्रृंगार सजा रही हैं। श्री महामत कहे मोमिनो ए चौथे पैर की विरत, अब कहूं पर पांचवा सुनियो तन मन हित। ये चौथे पैर का वर्णन हुआ, थोड़ा सा हम पांचवा पैर भी सुनेंगे क्योंकि कितने दिन रह गए बताओ? दो दिन है ना। आज कितनी तारीख है? 16 तारीख है और 18 को भोग डालना है, है ना। 18 को भोग डालना है ना। बोलो श्री प्राण नाथ। अब कहूं पैर पांचवा आया जब खत, हुआ समय बैठन का ऊपर इन तखत। अब पांचवा पैर आ गया, 6 से 9 बजे श्रीजी साहिब जी तखत पर बैठते हैं। लच्छो अर्ज करते हैं राज पधारो कौन घाट, श्री राज उत्तर देते हैं आज पधारे पाठ। लच्छो भाई ने आके अर्जी करी कि श्रीजी साहिब जी आज कौन से घाट पे जाना है, तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा आज तो एकम का दिन है और एकम के दिन कहाँ जाना है? पाठ घाट पे। और दिन एकम दा आया है, दिन एकम दा आया है, डेरा मेरे धाम धनी, और डेरा मेरे धाम धनी, पाठ घाट उते लाया है। ने पूछा तो श्री जी ने कहा आज तो हमें पाठ घाट पे जाना है। और तखत के ऊपर सेज्जा सजाने के लिए बिहारी दास जी आ जाते हैं, सेज्जा के ऊपर फिर गद्दा लगा दिया और उछार दसूती का चढ़ाया और तकिए मखमली रख दिए। किसने रखे पुष्पा बहन जी तकिए? किसने रखे उछार? कौन सा नीरू चढ़ाया? किसने? हाँ दसूती का चढ़ाया बिहारी दास के, आप जाग रहे हो ना। और तखत के साथ ही गादी भी छा दी जाती है और वह सेवा बिहारी दास जी करते हैं। और गादी पर बिछोना खेच करके बिछाया जाता है ताकि कोई भी सलवट ना पड़े। और दीपक की सेवा में मानिक और करमेती खड़ी हैं
हर प्रकार से श्रीजी साहिब जी को रिझा रही हैं। सुखपाल में बैठ के श्री भाई जी आवत अरज आरोगन की मीठी बातें करत। अब सुखपाल के अंदर बैठ के श्री भाई जी राज महारानी साहिबा आ रही हैं और मीठी मीठी बातें करती हैं कि श्रीजी साहिब जी अब आरोग लो। कौन सा समय है ये? 6 से 9 का। देखो हम आज कहते हैं डाइट प्लान लो, कैसे खाना चाहिए। श्रीजी साहिब जी शाम का भोजन कब कर रहे हैं? 6 बजे आ गई हैं भाईजू राज महारानी साहिबा। संध्या के समय रोकने के लिए मंत्री हिम्मत भाई थाल लेकर आ गई हैं और सभी प्रकार की सब्जियां कटोरियां उस थाल के अंदर रखी हुई हैं। श्री महाराजा भाई जी बैठत अरोगाम ने थाल। अब जहाँ पे श्री पुजारी जी बंगला जी में प्रसाद देते हैं ना, वहीं पे श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं और साथ में महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं, भाईजू राज जी बैठे हैं और श्रीजी साहिब जी को हाथ पखालन प्रेम सो मानिक सेवे करे खुशहाल। श्रीजी साहिब जी के मानिक भाई ने खुद हाथ धोए हैं, है ना, और हाथ पोंछने को दिया रुमाल श्री महाराज। महाराजा छत्रसाल जी ने श्रीजी साहिब जी को हाथ पोंछने के लिए रुमाल दे दिया। एक मुंह आड़े अपने बांध के अर्गावत श्रीराज और एक अपने मुंह के ऊपर रुमाल बांध लिया, क्योंकि भोजन कराते हुए हम बोलते हैं तो मुंह से कोई थूक गिर जाती है ना। आरोगत अति हेलसो सो कहा लो कहूं ए। बड़े प्यार के साथ श्रीजी साहिब जी इस समय भी आरोगते हैं। जो आज आप श्रीजी साहिब जी के लिए भोग लेके आई हो ना, आप धन्य धन्य हो गए, क्योंकि श्रीजी साहिब जी आपका भोजन स्वीकार कर रहे हैं। आप चितवनी करो कि थाली के अंदर हमने अपनी कटोरी रख दी, राजभोग सामग्री लवाज में सब साग तरकारी के सारी सब्जियां सजा दी भाईजू राज महारानी साहिबा ने, और जहाँ चौकी पे प्रसाद पड़ा होता है ना वहाँ पे थाल रखा हुआ है और वहीं श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं, पास में महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं, साथ में श्री भाईजू राज जी बैठे हैं और शिव जी के आगे रुमाल डालने की सेवा बिहारी दास जी करते हैं। सब सुंदर साथ सेवा करने की इच्छा में चरणों में हाजिर हो जाते हैं। थाल ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज, मीठी रसना सो बातें करें रीज रीज के राज। थाल आगे रखा हुआ है, महाराजा छत्रसाल जी ऐसे थाल को पकड़ के बैठे हैं, शिवजी साहिब जी आरोग रहे हैं, है ना, और रीज रीज के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। आरोगत अति हेत सो बातें करे बनाए, आरोगते हुए मीठी मीठी बातें करते हैं। धाम धनी गाय रिझामी कवल देते ताए, जो शिवजी को वाणी सुना सुना के रिझाते हैं ना, उनको शिवजी साहिब जी अपने मुख का ग्रास निकाल के उनके मुंह में डाल देते हैं। जब वो कर रहे होते हैं ना आ, तो शिवजी ने क्या डाल दिया? बोलो श्री प्राणनाथ। और श्री भाई जी बातें करते हैं आरोगने के वक्त, भाईजू राज महारानी साहिबा मीठी मीठी बातें करती हैं। श्री राज रीज के कहते हैं ऊपर बैठो इन तकत, श्रीजी साहिब जी रीज के कहते हैं मेरे साथ बैठ जाओ ना। जल छबील दास ले आया आरोगने को हक, छबील दास जी जल का कटोरा लेके आ गए। कंचन कटोरे सुंदर जल भाई दे तुमाफक, और कंचन सोने का कटोरा है और गुनगुना पानी है श्रीजी साहिब जी ले रहे हैं। और कोई वस्त्र अरगाम ने मसाला ले आवे घर से, और सुंदर साथ अपने घर से मसाला बना के लगा ले आते हैं, अदरक की चटनी बना के ला देते हैं श्रीजी साहिब जी को, है ना, और कोई मेवे लाते हैं, कोई मिठाई लाते हैं। राज हेत कर आरोगते, और श्रीजी साहिब जी बड़े हेत से प्यार से आरोग रहे हैं। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल, श्रीजी साहिब जी ने आरोग लिया तो सुंदर साथ ने थाल उठाया। चुल्लू करावे चौपसो शाकुंडल दिल खुशियाल, और महाराजा छत्रसाल जी ने श्रीजी साहिब जी को चुल्लू कराया। कहवा अरगावने को ले आई माने, अब फिर ग्रीन टी आ गई, क्योंकि उन्होंने तखत पर बैठना है, चर्चा करनी है। अब भोजन कर लिया, अब कहवा मंगवा लिया, वो पूरा काढ़ा उसके अंदर सब कुछ बना हुआ है, भर के देवे हाथ में ये जो गंगाराम मुजरक, पूरा भर के गिलास श्रीजी को दिया। श्रीजी साहिब जी पी रहे हैं और इसके बाद फुल सुपारी बीड़ी मिने अरगावे कल्याण, अब पान का बीड़ा देते हैं। ये सेवा श्री भाई जी की दई, सेवक अपना जान, पान बीड़ा की सेवा श्री प्राणनाथ जी ने भाईजू राज जी को दी। बीड़ी वाला श्री भाई जी महाराजा अपनी, श्री भाईजू राज अपनी बीड़ी बनाती है पान का बीड़ा, और महाराजा छत्रसाल जी अपना पान का बीड़ा बनाते हैं।
दे सुपारी मानिक छबीला और सेवत महारानी, वो छबीलदास जी बारीक बारीक सुपारी काट के दे देते हैं तो वो उस पान के अंदर रख लेते हैं। हार कलंगी आवत उपरा ऊपर इतके, अब अनंत प्रकार के जहां जहां महाराजा छत्रसाल जी ने जो जो जगह जीत ली है वहां से महाराजा जी के महल से सभी जगह से फूल फूलों की माला आती है। ले ले नाम मुजरा होता है होए जुबा एक एक के, जैसे हम माला अर्पण कराते हैं ना ऐसे मालाओं के टोकरे भर भर के आते हैं, फिर एक एक का नाम लेके शिव जी साहिब जी को माला अर्पण करवाई जाती है। शोभा शंभू ओक्का जसिया लियावत है कलंगी, श्री राज हथो धरत है सेवा अंगीकार करी। शोभा भाई ओक्का भाई जसिया भाई कलंगी लेके आए शिव जी ने हाथ में लेके, और वो कलंगी अपनी पाग पे लगा लेते हैं, फूलों की एक लड़ी बनी हुई है और महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों से, महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से कलंगी बनाते हैं। बांधत लटकनी छब की हाथों हाथ धरे सिर पे, और महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से बांध देते हैं। और मुकुंददास ले आवत तुरा कलंगी परण, मुकुंददास जी तुरा लाते हैं कलंगी लाते हैं, कलंगी के ऊपर परों की शोभा है। श्री राज सिर पर धरत है झलकत है किरण, आज भी हम बंगला जी में देखते हैं ना वो सफेद सफेद तुरा जो झलझलकार कर रहा होता है ना। और महाराजा के रावत से आवत कलंगी हार, और महाराजा छत्रसाल जी के महलों में से भी फूल कलंगी हार के टोकरे भर भर के आते हैं। चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लार, महाराजा छत्रसाल जी चित के अनुसार शिव जी को पहनाते हैं। कहा कहूं इन समय की जा राज विराजे तखत, जब शिवजी साहब जी इस समय तखत पर विराजमान हुए ना चर्चा के समय, तो कहते इस शोभा का कहां तक वर्णन करें, तो आई जी मोर्चल करत है सो कहो ना जाए वक्त। इस टाइम बाईजूराज जी की माता जी आई जी शिवजी साहब जी को मोर्चल करती हैं, महाराजा मोर्चल लिए दो बाजू चवर डुलाए, महाराजा छत्रसाल जी भी मोर्चल कर रहे हैं, शिव जी तखत पर विराजमान है चर्चा के लिए। कबू पीठ पीछे हो के लाल केशव करे अर्ज, पीठ के पीछे आके लालदास जी केशवदास जी अर्जी करते कि हम कुरान हदीसा पढ़े, और चितवनी की बारी में ने भोग दिया बखत इन गावत संजा को अवसर पैर रात लो रोशन। और चितवनी की समय में इस समय भोग भी दिया जाता है, और मन्ना अर्ज करते हैं वस्त्र सुनने की। मन्ना बाई ने कहा श्री राज जी महाराज मुझे वस्त्र सुनाओ, सो राज मोसो को मैं हाजिर ना थी, मैं हाजिर नहीं थी जब आपने वस्त्रों का वर्णन किया, मुझे सुनाओ, क्योंकि रोज सुनती है तो आज हाजिर नहीं थी, क्यों सुन रही है, क्योंकि जैसे श्री राजी शिवजी साहिब जी राजी श्यामा जी के वस्त्रों का वर्णन करते हैं ना तो सुंदर सात को वो स्वरूप दिखाई देने लगता है, इतने आनंदित हो जाते हैं। तो श्री राज शिवजी साहिब जी ने कहा साड़ी रंग सिंदुरिया जड़ाव श्याम रंग जड़ाव कंच की, श्यामा जी महारानी ने सिंदुरिया रंग की साड़ी पहनी है, श्याम रंग का ब्लाउज पहना है और नीले रंग का चरणिया पहना है, ये ठकुरानी जी का श्रृंगार, और श्री राज जी महाराज ने सिंदुरिया रंग की पाग पहनी है और सफेद रंग का जामा पहना है और आसमानी रंग की पिछोड़ी पहनी है, देख परवरदिगार देखो हमारे धनी ने कैसा श्रृंगार सजाए, और नीले पीले रंग का रंग को पटका बांधो कमर, और नीले पीले रंग का कमर में पटका बांधा है ना, और केसरी रंग इजार है लियो मूल भागो दिल धर, कहते इजार कैसी है केसरी नूरी केसरी इजार, नूरी केसरी इजार जामा श्वेत पिया दा उते नीला पीला पट्टे का खूब सजदा, उते नीला पीला पट्टे का खूब सजदा, नूरी केसरी इजार, नूरी केसरी इजार जामा श्वेत पिया दा उते नीला पीला पट्टे का खूब सजदा, उते नीला पीला पट्टे का खूब सजदा, उते नीला पीला पट्टे का खूब सजदा, उते नीला पीला पट्टे का खूब सजदा। आसमानी है पिछोड़ी, आसमानी है पिछोड़ी भाग लाल रंग दी गोल दुग दुगी है देखो ला मानिक रंग दी
नवरंग भाई की साड़ी जड़ाव श्याम, आज नवरंग भाई का नृत्य है। श्याम रंग की साड़ी पहनी है और आम रस की कंचुकी पहनी है पीले रंग की, और पांच पटे की चरनिया पहनी हुई है। किसने? नवरंग भाई जी ने। और पहनी इजार नीली, नीले रंग के नीचे पजामी पहनी हुई है ए वस्त्र भाई निरत, और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक। ये इतना सुंदर श्रृंगार किन्होंने सजा है? नवरंग भाई जी ने। नवरंग भाई किसके लिए तैयार होती हैं? निरत के लिए तैयार होती हैं। ये चौथी भौम निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की। ये चौथी भौम निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की। नवरंग भाई साथ को कहते बखत दोए। ये वस्त्र सब सुंदर साथ को दोनों टाइम सुनाते हैं, एक प्रातः और संध्या समय साथ सुनत है दोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाकी का प्रसंग कल करेंगे, धनी जी खुद करवाएंगे। आइए हम चौपाई दोहराते हैं। कल सभी सुंदर साथ समय पे पहुंच जाना, राइट 7 बजे भी तक शुरू हो जाए, ताकि चौपाइयां जो है ना उनका रस भी ले, आनंद भी ले। जल्दी आ जाना थोड़ा सा, ठीक है? एक ही दिन की तो बात है, और अष्टप्रहर की एक भी चौपाई को जल्दी करने को मन नहीं करता, क्योंकि ये रस से भरी हुई चौपाइयां है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सभी सुंदर साथ चौपाई दोहराती हैं। ए वस्त्र सब साथ को, ए वस्त्र सब साथ को कहते बखत धोए, एक प्रातः और संध्या समय, एक प्रातः और संध्या समय साथ सुनत है सोए, साथ सुनत है सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी की जय। हाँ जी, एक भजन हमारे गोपाल जी की बेटी आई है, वो कहती है दोती आई है। हाँ जी, आओ गाओ गाओ एक भजन। ज्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि हमारे सुंदर साथ बहुत दूर दूर से आए हुए और उन्हें जाना होता है। छोटा सा बोलना। हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हेलो, शाप कर देना भैया। हेलो हेलो, हेलो। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, और बोली प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए सभी बोलेंगे, बोली प्राणनाथ प्यारे की जय। और देखिए बड़ा प्यारा भजन, और आज इनके चरणों में हमें मिला है, तो जैसा भी आता है आपके सामने मैं सुमुख रखूंगी, और बड़े प्यार से सभी ताली बजा के मेरा साथ देंगे, क्योंकि बड़ा ही अच्छा वर्णन कर रहे हैं तुम्हारी दीदी। तो सब चीज समझने के लिए हमें हर चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनना समझना सिर्फ हमारे हाथ में है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की, और कहना बड़े प्यार से, बड़े प्यार से ताली बजाना सभी, और कहना है क्या कि तुझे एक नजर मेरा देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुम्हें दिल में हमने बसा लिया, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। काली काली अलके मतलब फंदे हैं जो जुल्फे, जो हमारे कान्हा जी की जुल्फ फैली हैं, वो हमें बड़ी अजीब लग रही है कि आप ये हटा लें, क्योंकि हमें जीने नहीं दे रही है। तो आप सभी ताली बजा के कहना, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले,
हमें जिंदा रहने दे ऐ मुर्गी वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुर्गी वाले। बिहारी जी का भी जन्मदिन आ रहा है, उनका सबू आ रहा है, तो बड़े प्यार से कहना है क्या, हो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा। देखिए जहां तक आवाज जा रही है सभी बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वो देखेंगे, वो ये देखेंगे कि ना जाने हमें कौन प्यार कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि देखने वाले ये हैं। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की। और बोले क्या, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बता बैठे, जो होगा
खड़े हो जाएं अपने स्थान पे, क्योंकि भजन भी लाश है और बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े प्यार का। एक बार खड़े हो जाएंगे सभी, सभी खड़े हो जाएं, सभी मेरे साथ साथ। और कहते क्या, सभी को प्राणनाथ प्यारे की नमस्कार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपने बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अर्जी का समय हो चुका है, तो अर्जी गाएंगे। पिया तुम हो टैसी the
हम पहले सोच बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, आज हमारे चंद्र भैया जी का जन्म दिवस है और आप एक महीने से देख रहे हो वो तन मन धन और जीव को उन्होंने कुर्बान कर रखा है। तो लाडले सुंदर साहब जी, श्री प्राणनाथ जी के द्वारा ये माला गुलशन भैया जी पहनाएंगे हमारे चंद्र भैया जी को। आइए चंद्र भैया जी, हम आपको तिलक करेंगे। मुझे दो मिनट लेने हैं। हाँ जी, आप बोलना, लेकिन ये भागने को तैयार है क्या? नहीं, नहीं, भागने नहीं देंगे। सुंदर साहब जी, पूरे महीने से वो सबका बर्थडे मना रहे हैं। जब मैं जा रहा था ना, तो मैंने इनको कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो कहते कैसे चलेगा। मैं कहा मेरे जाने के बाद और अच्छा चलेगा। तो इन्होंने इतना सुंदर मंच चलाया, बहुत ही सुंदर। हाँ, सारे महाराज श्री जी, हमारी परमादरणीय शारदा बहन जी जी बहुत खुश हुई और वो कह रहे हैं ऐसा ऐसा मंच। पर इनके लिए गा लें। सखियां दे नाल साडा मेरा भरिया, वो बताया।
परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। सभी अंदर आ जाए ना परिवार। थापासी श्री दर्शन दयाल जी मेहता जी को बहुत बहुत बधाई कि उनके ऐसे डायमंड के रूप में ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने आज पूरे हकीकत नगर मंदिर को तन से मन से धन की कुर्बानियां करके जीव तक कुर्बान करके और इस मंदिर के लिए एक पांव पे खड़े हैं। कुर्बानियों से मोमिनों की होती पहचान है। उन्होंने अपना जीव तक कुर्बान कर रखा है, चाहे वो मुकेश भैया जी हो, चाहे हमारे चंद्र भैया जी हो, क्योंकि इनके दादाजी ने, इनके पिता श्री जी ने बड़ी मेहनत से इस मंदिर को खड़ा किया और आज उस मेहनत को और आगे रंग लाए और उन्नति पे लेके गए ये दोनों। और आप सभी का साथ, समस्त दिल्ली सुंदर साथ का साथ और इनकी मेहनत एक एक सुंदर साथ कहता है कि किस प्रकार से इन्होंने श्री हकीकत नगर मंदिर को संभाल रखा है। ये इतना सुंदर सिंहासन देख रहे हैं ना, ये हमारे मुकेश भैया जी ने पूरी टीम को लगा के इतनी सुंदर शोभा, मैं ऊपर रूम में होती हूँ, इतनी तपती दोपहर में ये ठोक ठोक के एक एक चीज को इन्होंने कितने चार चांद लगा दिए श्री राजी महाराज के इस सिंहासन को। तो सभी मेहता परिवार को हमारे गुरुजनों की तरफ से, धामधनी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से आज चंद्र भैया के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। एक जयकारा जोर से लगाएंगे, प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणामी धर्म सभा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा दीदी जी से और पुजारी जी से कि उनको चंदन तिलक कर आशीर्वाद दें। परिवार आ जाए, सभी आइए, जाइए, आप भी आइए। हाँ, बाईजूराज संघ की तरफ से, छत्साल नवयुवक सभा की तरफ से, सबकी तरफ से। अक्षय जी आप भी आ जाए, बाकी बच्चे कहाँ हैं, सभी आ जाए। सुंदर साहब जी एक सूचना भी दे दो, जो चंद्र जी देने जा रहे थे कि अभी 18 तारीख आने वाली है, परसों इस कार्यक्रम का विराम दिया जाएगा। तो जिन सुंदर साहब ने अगर एक दिन भी, एक मिनट भी अभी तक सुनी है तो उस दिन अपनी शुभकामनाएं देने, आशीर्वाद लेने अवश्य आएंगे। कल और परसों इस कार्यक्रम का विश्राम दिया जाएगा दीदी का। और सभी सुंदर साथ अपने भाव रखेंगे, सभी सुंदर साथ जो रखना चाहे मुझे बता देंगे। सभी बारी बारी से चाहे पांच पांच मिनट बोलेंगे कि आपको अभी तक वाणी चर्चा में क्या मिला। ठीक है, हाँ जी, कल भी रख लेना। ठीक है, अपना अपना नाम दे देंगे तो उसी हिसाब से कार्यक्रम चलेगा। जो कल रखना चाहे वो कल रखें, जो परसों रखना चाहे वो परसों रखें। आइए आइए, अंदर आ जाइए। अक्षय कौन, ईशान और अक्षय अंदर आ जाएं। चंद्र जी रोज सबका बर्थडे मनाते हैं तो आप सबको मनाना है। खुशी खुशी आइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पुजारी जी लगाओ तिलक। बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुमको, बधियो हजारों साल साल के दिनों पचास हजार, बधियो हजारों साल साल के दिनों पचास हजार, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी लो जी, सभी प्रसाद लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आज लड्डू लड्डू मिलेंगे हमको, सच में लड्डू लाएंगे। सुंदर साहब जी, सभी सुंदर साहब बारी बारी से आ जाओ। दीदी को प्रणाम करते हुए ऊपर पहली मंजिल पर लंगर प्रसाद की व्यवस्था है, वहाँ बता रहे हैं। कोई रह गया? लो पुजारी जी, आप ही ले सबको बांटने हैं। अच्छा, सबको लेने हैं। अच्छा, आप और लाओगे? प्रणाम जी, लो जी, लो जी। अच्छा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को लड्डू मिल रहे हैं भाई, क्या बात। मिलेंगे लड्डू हमको। पुष्पा दीदी आप तो पहले ले लो, दो दो। पुष्पा ने बोला है। हाँ पुष्पा दीदी, आपके लिए दो लड्डू आओ। आप बहुत अच्छा बोल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सारे आशीर्वाद देते जाओ चंद्र भैया को, यहाँ से निकलते जाओ आशीर्वाद देते जाओ, आशीर्वाद की झड़ी लगा दो उनपे, दोनों भाइयों पे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी ने माइक पकड़ना है एक बार। प्रणाम जी, आप नहीं दोगे? नहीं 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 हमें आप गाना है सुंदर का चल। अच्छा, आओ मामी, जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी
अच्छा खड़े ना रहो सभी जने, क्यों खड़े हो विशु, क्यों खड़े हो, लेके चलो भीतर, आप खड़े क्यों हो? आप क्यों देर करते हो? प्रणाम प्रणाम जी, क्या नाम है आपका? नीलम जी, आज आयो पहली बार? अच्छा आप ही आए थे? हाँ, ये तो ये अष्टचार की जो लीला है, ये बीतक का प्राण है, ये सुन के हम समझ लो पूरी बीतक सुन लिया आपके घर का है, इसलिए जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन साक्षात अच्छा डेली सुनते हो? हाँ जी सुषमा जी, सुनीता जी, लो हाँ लाल, हाँ जी आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, कौन रह गया जी? प्रणाम जी, हाँ जी कोई रह गया? आपने ले लिया, आप रहते हो? हाँ ये भी लाओ, आजा बेटा, आओ आओ आओ, लड्डू पसंद है? दो दे दूँ? एक है, अच्छा कोई रह गया? रानी बहन जी ले लियो तुसी, अच्छा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।